नमस्कार साथियों संस्कृति आई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं हूं चंद्रशेखर आज हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर और उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो इससे संबंधित बातों को समझेंगे या सामाजिक न्याय विषय से जुड़ा हुआ है जी पेपर टू से जुड़ा हुआ है तो इन बातों को समझने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना बताना है बी के लिए संस्कृति आई के प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जा रहा है यह कोर्स 15 अक्टूबर से शुरू होगा इसकी जो फ़ी रखी गई है वो 50 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ पच्चीस हज़ार रखा गया है साथ ही साथ अगर आप एक बार में देने में सक्षम नहीं हैं तो ई एम की सुविधा है तीन समान किस्तों में आप इसे पे कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं बात आएगी कि इस कोर्स में क्या क्या बातें शामिल हैं पाँच से अधिक घंटों की कक्षाएँ होंगी और यहाँ पर जो वैधता होगी कोर्स शुरू होने से लेकर एक वर्ष तक की वैधता होगी महत्वपूर्ण तो बात यह भी है कि असीमित बार आप देख सकते हैं एक क्लास को या पूरी क्लास को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं प्रतिदिन दो कक्षा होगी नियमित क्लास टेस्ट भी होगा और प्रत्येक विषय और खंड का प्रिंटेड क्लास नोट्स भी दिया जाएगा ताकि आपके पास ठोस मटेरियल रहे आप अपनी पढ़ाई पूरी करते रहें उसमें आगे बढ़ते रहें इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ये नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है संस्कृति आई एस डॉट कॉम यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं आप इस नंबर पर अपनी डिटेल व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ से हमारी कॉलिंग टीम खुद ब खुद आपसे संपर्क कर लेगी तो इससे संबंधित जो बातें हैं उन बातों को हम लोगों ने समझ लिया अब यहाँ देख लेते हैं क्या है तो मेंटल हेल्थ से संबंधित द हिंदू में ये खबर प्रकाशित हुई है मेंटल हेल्थ एंड द फ्लॉन्ड्रिंग इनफॉर्मल वर्कर यहां पर इनफॉर्मल अर्थात औपचारिक नहीं अनौपचारिक क्षेत्र की बात हो रही है कि वहां पर क्या स्थिति है मानसिक स्वास्थ्य की इससे संबंधित बातें ये कही जा रही हैं कि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और इसका जो विषय रखा गया था सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार किसी भी विषय को लेकर के या किसी थीम को लेकर के सवाल बना दिया जाता है और वो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी थीम क्या रखी गई थी तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य सवाल ये है कि मानसिक स्वास्थ्य जो हम कह रहे हैं ये होता क्या है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फिर इससे संबंधित सभी पक्षों पर विचार करते हैं तो व्यक्ति की मनोदशा को ये बताता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है तो व्यक्ति की मनोदशा जो सकारात्मक स्थिर और संतुलित हो क्या होना चाहिए सकारात्मक हो पॉजिटिव सोच हो स्थिर होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए दो विकल्प हैं और उन दो विकल्पों अगर पॉजिटिव और निगेटिव तो उसमें संतुलन होना चाहिए साथ ही साथ डब्ल्यू एच ओ जो कहता है अर्थात इसकी जो परिभाषा देता है मानसिक स्वास्थ्य वो ये बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण के रूप में परिभाषित किया जाता है इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं अर्थात अपनी क्षमताओं का एहसास होना एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जीवन के सामान्य तनावों का सामना करने में वो सक्षम हो साथ ही साथ सही से कार्य करना भी इसमें शामिल है अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम हो और इन सबको मिला करके कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहा है डब्ल्यू एच ओ के अनुसार ये बातें कही गई हैं ठीक है ये बात यहाँ पर तो हमने समझ लिया अब इससे संबंधित एक और बात कही जा रही है कि सकारात्मक अर्थ क्या है तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत भलाई और एक समुदाय के प्रति कामकाज की नींव रखने का कार्य करता है अगर कोई व्यक्ति वास्तव में मानसिक रूप से स्वस्थ है तो ठीक है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और क्या कहा गया कि अनौपचारिक कार्यकर्ता का एक वर्ग ऐसा है जो उपेक्षित है अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दो बातें बताई जाती हैं एक औपचारिक क्षेत्र और एक अनौपचारिक क्षेत्र आप औपचारिक क्षेत्र की जब बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज तरीके से जहाँ पर सब कुछ कार्य हो रहा है छुट्टियाँ दी जा रही हैं आपको सामाजिक सेवाएं या सामाजिक कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है उनको हम कह रहे हैं संक्षेप में कि यह औपचारिक क्षेत्र है अनौपचारिक क्षेत्र जहाँ पर व्यक्ति कार्य तो कर रहा है दिहाड़ी मजदूरी के रूप में कार्य कर रहा है लेकिन वहाँ कोई भी इस तरह की सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है जैसे आप कह सकते हैं जो रिक्शा चालक हैं या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले वर्कर हैं उन सबको कहा जा रहा है कि अनौपचारिक कार्यकर्ता हैं अनौपचारिक क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं तो ये जो वर्ग हैं ये हमेशा से उपेक्षित रहे हैं उपेक्षित क्यों रहे हैं तो इसका कारण है कारण क्या बताया गया है तो ये कहा जा रहा है भारत में असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें आप असंगठित क्षेत्र को ही अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन कौन सा कंस्ट्रक्शन जो तो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर जितने लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि दरअसल जो मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं या असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो क्षेत्र संगठित नहीं है अर्थात सरकार के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो कार्य नहीं कर रहा है और न ही उसके तहत जो सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती हैं वो उपलब्ध हो पा रहा है इसीलिए कहा जा रहा है कि यह असंगठित क्षेत्र है फिलहाल के लिए ये जो आंकड़ा बताया गया है कि जो भारत में कुल श्रम शक्ति सौ है तो उसमें से अस्सी प्रतिशत ऐसा है जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है अर्थात इन क्षेत्रों में रेहरी पटरी रिक्शा या फिर डेली वर्कर डेली वेजेस वर्कर इत्यादि इत्यादि इत्याद ये कार्य कर रहा है और इसमें से भी कहा गया है जो 80 प्रतिशत है उसमें से लगभग 50 प्रतिशत अर्थात 80 का 40 प्रतिशत अगर टोटल 80 को हम सौ कर मानकर चलें तो ये हो जाएगा आपका 50 प्रतिशत पचास प्रतिशत कृषि क्षेत्र में और 50 प्रतिशत गैर कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहा है ये आर्थिक विकास में योगदान भी दे रहे हैं लेकिन समस्या ये है कि जो आर्थिक शारीरिक और मानसिक कमज़ोरियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं या चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं क्यों बढ़ती जा रही हैं क्या कुछ बातें इसमें हैं अभी हम समझ लेते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से ये कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि इनकी इतनी इनकम नहीं हो पाती है और इस वजह से और जॉब की सुरक्षा इत्यादि कारणों से इन्हें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती हैं या ये मानसिक स्वास्थ्य का शिकार होते हैं अब इसी से संबंधित कुछ और बातें जो आंकड़ा था हम लोगों ने देख लिया असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में हमें ये ध्यान रखना होगा कि अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र जो सरकार के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार कार्य कर रहे हैं और अपने वर्कर को वो सभी सोशल सिक्योरिटी और जो कुछ भी सुविधाएं दी जानी चाहिए वो दी जा रही हैं औपचारिक क्षेत्र है और जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र है जैसे रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति डेली वेजेस पर काम करने वाला व्यक्ति अर्थात आप कह सकते हैं कि मजदूर ठीक है ठेला लगाया इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि ये अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं और ये उस सभी क्षेत्रों को मिला करके अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े लोग और गतिविधियों के बारे में बात करें तो ये हमेशा से ही सरकार के द्वारा उपेक्षित रहे हैं या सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है अब बात ये आती है कि उपेक्षा का कारण क्या है तो जब आप जीडीपी पढ़ते हैं और उसमें आप नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या के रूप में ये देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ साथ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने लोग हैं उनका डेटा हमारे पास नहीं होता कि कितना उनको भुगतान किया गया और उनकी इनकम कितनी हुई तो आप ऐसे भी कह सकते हैं संक्षेप में कि उनकी इनकम कितनी हुई जब वो बैंकिंग व्यवस्था या उनका वित्तीय समावेशन हुआ नहीं है स्वाभाविक सी बात है उन्हें कैश में पेमेंट किया गया है तो उनकी आय के, के बारे में हम पता नहीं लगा पाते आय के बारे में पता नहीं लगा पाते तो राष्ट्रीय आय में उसको शामिल नहीं किया जाता और इसी को राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या के रूप में देखा जाता है फिलहाल जीडीपी में इनको शामिल नहीं किया जाता शामिल नहीं किया जाता और ये भी कहा जाता है कि इनकी आय पर टैक्स नहीं लगता है जब डेटा ही नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से किस आय पर लगाएंगे आप अनुमान के आधार पर तो लगाएंगे नहीं यहां पर इन पर टैक्स भी नहीं लगाया जाता और इस वजह से कहा जा रहा है कि सरकार इस बात को लेकर के इनकी उपेक्षा करती है कारण यह है कि हमारे पास इनका डेटा नहीं है और डेटा नहीं है तो कल्याण की जो गतिविधियां या जब हमें इनसे इनकम प्राप्त होती अर्थात टैक्स मिलता तो सरकार इन पर ध्यान देती ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है फिलहाल इन बातों को समझने के साथ साथ अब जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका अध्ययन क्या कहता है तो उसके अध्ययन के मुताबिक जो वयस्क व्यक्ति है वयस्क मानसिक विकार वैश्विक कामकाजी जो उम्र है उसके पंद्रह प्रतिशत के करीब हैं कितने तो जो वयस्क व्यक्ति हैं वयस्क मानसिक विकार अर्थात मानसिक समस्याओं से जो जूझ रहे हैं जो वैश्विक कामकाजी उम्र के लोग हैं उनका कुल का पंद्रह प्रतिशत किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे साथ ही साथ मानसिक विकार के जब हम कारणों की बात कर रहे हैं तो यह बताया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि बेरोजगारी अधिक है बेरोजगारी अधिक होने के साथ साथ अस्थिरता है अनिश्चितता है किस बात को लेकर के तो रोजगार को लेकर के चूंकि रोजगार की डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर आय कम होगी और आय कम होने के साथ साथ कई तरह के भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है वर्क प्लेस पर तो यहाँ पर कार्यस्थल पर भेदभाव और उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता है एक तो पहले से ही अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं और इनको हेय दृष्टि से देखा जाता है इस वजह से कई बार ये समस्याएँ होती हैं और जब आप अपना 100 दे रहे हैं या आप अच्छा काम कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं एक सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं उसके बावजूद भी आपके साथ बुरा होता है तो वह मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनता है ठीक है विशेष रूप से असुरक्षित कार्यस्थल या वातावरण में कार्य किया जाता है इसकी वजह से भी कम वेतन मिलता है साथ ही यहां पर कम प्रतिफल दिया जाता है असुरक्षित नौकरियां हैं कभी भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है अनौपचारिक क्षेत्र में तो ये देखने को मिलता ही है इन सभी की वजह से व्यक्ति के ऊपर तनाव ज़्यादा होता है और तनाव की वजह से मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं होती हैं और जब जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार इन पर ध्यान भी नहीं देती ठीक है सभ्य कार्य के लिए लेकिन यह कहा जाता है कि अगर आप सभ्य कार्य करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य पर आपके सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कुछ समस्याएं कम हो जाती हैं लेकिन अब यहाँ पर सभ्य कार्य किया कैसे जाए और सभ्य कार्य किसको माना जाएगा ये भी अपने आप में निर्धारण की समस्या है बहरहाल भारत में अनौपचारिक कार्यबल के समक्ष कई सारी चुनौतियां हैं ये चुनौतियां कौन सी हैं तो सबसे पहली बात औपचारिक सुरक्षा का इनके पास अभाव है और जब औपचारिक सुरक्षा का अभाव होगा तो तनाव बढ़ेगा ही और तनाव होगा तो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होगी इसके अलावा असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ हैं जो इन्वामेंट है वो ठीक नहीं है लंबे काम के घंटे हैं घंटे आपके लिए कहा गया है और पता चला कि नौ घंटे दस घंटे आपसे काम लिया गया लेकिन जो एक्स्ट्रा काम लिया गया उसके बदले पे नहीं किया गया तो आपने तो अपना श्रम दिया आपने अपना योगदान दिया लेकिन उधर से आपको कुछ आउटपुट नहीं मिला स्वाभाविक सी बात है तनाव होगा सामाजिक सुरक्षा तक सीमित इन लोगों की पहुंच है ये सभी जो इस क्षेत्र में अर्थात अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं सामाजिक सुरक्षा तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से कई सारी समस्याएं होती हैं एक बार परिवार का कोई सदस्य बीमार हुआ और जितना जो कुछ भी पैसा बचा करके रखा गया था या फिर जो भी एसेट थी या आप कह लीजिए खेत जमीन वो सब कुछ बेचना पड़ जाता है लैंगिक असमानताएँ देखने को मिलती है यहाँ पर अनिश्चित रोजगार है और आय असमानता भी देखी जाती है जिससे ये जो अनौपचारिक औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनके सामने मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं मौजूद रहती हैं भारत में अनौपचारिक कार्यबल से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे कौन कौन से हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कामकाजी आबादी का नब्बे प्रतिशत हिस्सा जो है वो इस क्षेत्र से आता है नियामक सुरक्षा का अभाव इन सभी क्षेत्रों में देखा जाता है साथ ही साथ असुरक्षित कामकाजी माहौल में कार्य करना पड़ता है जिससे तनाव की जो आ, मात्रा है या प्रतिशत आप कह सकते हैं वो लगातार बढ़ता है सामाजिक या वित्तीय सुरक्षा तक इनका पहुंच कमज़ोर है इनकी पहुंच कमजोर होने की वजह से ये जो चाहते हैं अधिकतम सुख प्राप्त करना वो ये नहीं कर पाते साथ ही साथ यहाँ पर उच्च अनिश्चितता इन सभी क्षेत्रों में और भेदभाव अधिक देखा जाता है स्वाभाविक सी बात है इन सभी बातों को जो ऊपर हमने देखा और अभी जो बात हमने कही इन सभी बातों को एक साथ कोरिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनौपचारिक क्षेत्र में ही नहीं औपचारिक क्षेत्र में भी तनाव होता है और उस तनाव की वजह से कई बार डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याएं देखी जाती हैं अब यहां पर लिंग असमानताओं की बात करें तो गंभीर लैंगिक असमानताएं विद्यमान हैं पंचानवे प्रतिशत जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि जो पित्र सत्तात्मक संरचना है समाज की संरचना है उसकी वजह से और अन्य प्रथाओं की वजह से उन्हें कम वेतन दिया जाता है भेदभाव उनके साथ किया जाता है और न केवल भेदभाव उनका जो रोज़गार होता है वो हमेशा अनिश्चितता से भरा रहता है कि कब उनका रोज़गार चला जाएगा उन्हें खुद भी नहीं पता और सामाजिक सुरक्षा का तो अभाव होता ही है कई बार हमने ये भी देखा है कि कार्यस्थल पर जो प्रसाधन है महिलाओं से संबंधित जो फैसिलिटीज़ हैं वो उपलब्ध नहीं होती तो इनका कार्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होता है इसके अलावा युवा बेरोज़गारी की बात करें तो युवा बेरोजगारी सर्वाधिक है भारत की बात किया जाए मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव होता है अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो कुछ किसी ने कह दिया कि क्या खाली पीली बेकार घूम रहे हो दिमाग पर तनाव बढ़ गया कि खाली पीली घूम रहा हूँ मैं कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा हूँ ये समस्या है असमानता स्थिति रिपोर्ट 2022 बताती है शैक्षणिक स्तर के साथ अगर शिक्षा का स्तर जितना बढ़ता है उतना ही बेरोजगारी भी बढ़ती है क्योंकि आपकी शिक्षा के अनुसार जो आप डिजर्व करते हैं या जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता और इस वजह से वो बेरोज़गारी की दर लगातार बढ़ती जाती है साथ ही शिक्षित युवा की बात करें तो बयालीस प्रतिशत बेरोज़गारी की दर शिक्षित युवा और महिलाओं में देखने को मिल रहा है रोज़गार की तलाश में भारत की बात करें तो अभी तो हम युवाओं की बात कर रहे थे अब बात कर ले रहे हैं बुज़ुर्ग आबादी की बुज़ुर्ग आबादी भी ये 2011 का आंकड़ा बताता है जनगणना बताता है कि 33 मिलियन बुज़ुर्ग आबादी अभी भी काम की डिमांड कर रही है या कहीं कहीं कि, कि, किन्हीं क्षेत्रों में कार्य कर रही है अर्थात अनौपचारिक क्षेत्र में ये 33 प्रतिशत बुज़ुर्ग आबादी कार्य कर रही है तो ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है वहाँ पर जो मानसिक स्वास्थ्य है उससे संबंधित समस्याएँ होंगी सामाजिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ और बातों को देखा जाए तो आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य कारकों का अंतर संबंध है अगर आपकी आर्थिक ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके काम के लिए उचित वेतन नहीं मिल रहा है स्वाभाविक सी बात है कि जो आर्थिक हित आपके टकरा रहे हैं और यहाँ पर आर्थिक हित की वजह से जो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर पा रहे हैं या जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है उसकी वजह से मानसिक तनाव होता ही होता है यहाँ पर कर्ज में वृद्धि होती है स्वास्थ्य देखभाल की लागत में लगातार वृद्धि हो जा रही है और हो ही रही है अनौपचारिक श्रमिकों की बात करें तो इसकी वजह से उनकी मानसिक परेशानी और बढ़ जाती है कोविड नाइन्टीन के दौरान तो जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ और सरकार इसके लिए हेल्पलाइन भी जारी की ताकि अगर कोई व्यक्ति ऐसे डिप्रेशन में जा रहा है या इस तरह की समस्या है तो वो हेल्पलाइन के माध्यम से अपना मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकता है इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं के प्रभाव के कारण भी कई बार सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो हमें बेरोज़गार भी बनाती हैं और बेरोजगार बना रही हैं इसका मतलब ये है कि आज आपकी न्यूनतम जरूरतों को पूरा कर दिया गया रोटी कपड़ा मकान पूरा कर दिया गया लेकिन दीर्घकालिक रूप से आपको क्या चाहिए रोजगार चाहिए आपके आर्थिक हित पूरे होने चाहिए और आपकी आय इतनी होनी चाहिए कि आप उन सुविधाओं को जो आप कल्पना कर रहे हैं वो आप खरीद पाए आप ऐसे कह सकते हैं कि एक वो समाज है जिस समाज में हम रहते हैं और एक वो समाज है जो हमारे अंदर रहता है अर्थात कल्पना और यथार्थ तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता और जिस समाज में जो चीज़ें हमें मिल रहा है हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते तो यहाँ मानसिक समस्याएं होती हैं साथ ही साथ यहाँ और बात करें अन्य अध्ययन के रिपोर्ट क्या बताते हैं तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का रिपोर्ट बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है क्या चीज़ हानिकारक है तो बेरोजगारी और ख़राब गुणवत्ता वाले रोजगार यह सब कुछ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं विकासशील समाज अध्ययन केंद्र के अंतर्गत ये एक लोक नीति समूह है इनका भी यही कहना इससे संबंधित बातें कि ये जो समस्याएं देखी जा रही हैं ये समस्याएं अभी वर्तमान हैं। साथ ही देश के 18 राज्यों में ये जो अध्ययन किया गया है यहाँ पर लोक नृत्य समूह इनके द्वारा जो अध्ययन किया गया है वो ये बताता है कि देश के 18 राज्यों में अध्ययन किया गया और अध्ययन किस पर किया गया तो यहाँ इतने युवाओं पर अध्ययन किया गया जो पंद्रह से लेकर के चौंतीस आयु वर्ग के थे इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि नकारात्मक जो भावनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्यों बढ़ रही है क्योंकि बेरोज़गारी के प्रति यहाँ पर इनके ऊपर कलंक है कि ये लोग बेरोज़गार हैं और जब ये ताने सुनाई देते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य वैसे ही खराब होता है और ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है एन की रिपोर्ट बताती है दो की कि आत्महत्या जो करने वाले लोग हैं या आत्महत्या के कारण जो मरने वाले छब्बीस सठ लोग हैं उसमें दैनिक वेतन भोगी हैं दैनिक वेतन भोगी थे दैनिक वेतन भोगी का मतलब कि वो डेली बेसिस पर काम करते थे और उन्हें डेली बेसिस पर भुगतान कर दिया जाता था मतलब कहने का ये है कि वह अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग थे तो यह भी आंकड़ा हमारे सामने है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो पहल किया गया है वो वैश्विक पहल की बात करें तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ताकि इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके साथ ही साथ डब्ल्यू की व्यापक मानसिक कार्य योजना दो से लेकर के बीस तक के लिए शुरू किया गया और इसमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक एटलस जारी किया गया साथ ही साथ जो सतत विकास संख्या तीन है उसे प्राप्त करने की कोशिश की गई इस दिशा में भारतीय पहल की बात करें तो संविधान और कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं तो संविधान और कानूनी प्रावधानों में सबसे पहले संविधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन की बात कही गई है और गरिमापूर्ण जीवन का मतलब ये है कि इसकी जब विस्तारित व्याख्या की गई है कोर्ट के द्वारा तो ये कहा गया है मानसिक देख हाल तक इसे विस्तारित किया जा रहा है अर्थात इसे भी सुनिश्चित करना जरूरी है तभी आर्टिकल जो 21 में गरिमापूर्ण जीवन की बात कही गई है उसे हम पूरा कर सकते हैं सैतालीस की बात करें तो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और सुधार करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है और जो बताया गया है यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है राज्य के कर्तव्य के साथ साथ यहां पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है अधिनियम के तहत यह कहा गया है और जो बदलाव किया गया है कि पहले जब कोई व्यक्ति किसी मानसिक समस्या की वजह से आत्महत्या करता था तो आत्महत्या करने के दौरान अगर वो बच जाता था तो उस पर केस होता था और उसे जेल में डाल दिया जाता था अब इसमें बदलाव क्या किया गया है कि अब इसे आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं माना जाएगा अपराध की श्रेणी से इसे बाहर निकाल दिया गया और ये कहा गया कि दरअसल वह व्यक्ति जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है और वो जिस मानसिक स्थिति में अभी है इस बात को ध्यान में रखते हुए वो दया का पात्र है उसके उसके साथ समानुभूति का व्यवहार करना चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके न कि उल्टा पहले वो एक मानसिक समस्या से जूझ रहा है जिसके लिए वो सुसाइड करना चाह रहा था आप उस पर केस कर दिए और उसे जेल में बंद कर दिए इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसके मानसिक स्वास्थ्य को और ज़्यादा प्रभावित किया नकारात्मक रूप से मानसिक बीमारियों के वर्गीकरण में डब्लू ने भी दिशा निर्देश दिया और इन बीमारियों को भी उसमें कंसिडर किया कि बीमारी का मतलब ये नहीं कि फिजिकली आपका कुछ डैमेज हुआ आपको बुखार हुआ या अन्य बीमारियां हुई ये जो मानसिक समस्या है यह भी एक बीमारी है और इसका इलाज होना चाहिए जो किरण हेल्पलाइन जारी किया गया है उसके अनुसार आत्महत्या की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसके तहत सहायता और संकट प्रबंधन में मदद करने की भी बात इस हेल्पलाइन के माध्यम से की गई है साथ ही साथ यहाँ पर साथी की बात करें अर्थात दक्षिण एशियाई मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच कार्यक्रम इसका उद्देश्य ये है कि जागरूकता फैलाया जाए किसके प्रति तो मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई हेतु जागरूकता फैलाई जाए मानस मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है और मनोदर्पण भी शुरू किया गया है ताकि इस तरह की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके और ये भारत के तरफ से प्रयास किया गया है इसके साथ साथ अब बात आती है कि हम आगे क्या सुधार कर सकते हैं हमें क्या सुधार करना चाहिए तो जब हम सुधार की बात कर रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजटीय आवंटन की बात की जा रही है कि बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए बजट जारी किया जाता है कम से कम उसका एक प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्य को दिया जाना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य की पहचान भी की जानी चाहिए और पहचान के साथ साथ कार्यवाही में सुधार के लिए एक सक्रिय नीति बनाने की आवश्यकता है ताकि इस दिशा में हम मजबूत पहल कर सकें एस संख्या तीन के साथ साथ एच संख्या चार आठ को भी हमें प्राप्त करने की ज़रूरत है साथ ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य जो रिपोर्ट है 2022 इसके अनुसार ये कहा गया उसमें सुझाव दिया गया था कि हम क्या कर सकते हैं उन सुझावों को लागू करना जैसे समुदाय आधारित जन केंद्रित और पुनर्प्राप्ति उन्मुख रोजगार की गुणवत्ता में हमें सुधार करना चाहिए दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा को हमें बढ़ावा देना चाहिए जब ये सारी चीज़ें होंगी तो दरअसल हम इस दिशा में मजबूत पहल कर सकते हैं और ये सुधार हो सकता है यहाँ पर तीन की बात की जा रही है और साथ साथ ही यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात की जा रही है एस संख्या आठ की बात करें इन सभी बातों को समझने के बाद अब बात कर लेते हैं कि क्या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में या नहीं पूछा गया है तो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता होने के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना सतत विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है विश्लेषण कीजिए या विश्लेषण करें 2021 में पूछा गया है यूपीएससी में पूछा गया है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से सवाल बन सकता है या सवाल बनाया जा सकता है तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही अगली क्लास में मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग